ईरानी वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान की GHQ आमद, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने और तहफ्फुज़ात को ज्यादा से ज्यादा समझने पर जोर। आर्मी चीफ की दूसरी रियासत की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के एहतराम की अहमियत पर भी गुफ्तगू। जाली नोटों की शिकायत, स्टेट बैंक का तमाम मालियत के नए करेंसी नोट लाने का फैसला, डिजाइन का फ्रेमवर्क शुरू, मार्च तक मुकम्मल होगा। नए नोट बैनुल अक्वामी सिक्योरिटी फीचर्स के तहत छापे जाएंगे, गवर्नर स्टेट बैंक की गैर रस्मी गुफ्तगू। मुझे सजा देने वाले जज एक एक करके रुख्सत हो गए, वो भी चला गया जिसे 8 माह बाद चीफ जस्टिस बनना था, पता था दाल में कुछ काला है। नवाज शरीफ का लाहौर में खिताब, कहा वो इस्तीफे दे रहे हैं, नवाज शरीफ खड़ा है, मजीद ठोकरें खाने की सख्त नहीं, इज्जत का मकाम हासिल करेंगे। मरियम नवाज बोली नून लीग के अलावा लाहौर में कोई निकलने के काबिल नहीं है, 8 फरवरी को कोई घर में ना बैठे। हमारी हुकूमत रहती तो जनूबी पंजाब की तकदीर बदल चुकी होती, इख्तदार में आए तो जनूबी पंजाब को मिनी लाहौर बना देंगे, शहबाज शरीफ का ऐलान। राजनपुर में IT और ज़रई यूनिवर्सिटी बनाने का वादा, लीगी सदर का साजिद नकवी से राबता, हिमायत की दरखास्त। मियां साहब की तकारीर नहीं सुनता, उन्हें मुबाहिसे का चैलेंज दिया है, पॉलिसी का इल्म है तो मुझसे मुबाहिसा कर लें। बिलावल भुट्टो का एक बार फिर नवाज शरीफ पर वार, कहा चौथी बार वजीर आजम बनने वाले को रोकेंगे। और लाहौर के हल्का PP 149 से अब्दुल अलीम खान की एक और कामयाबी, आजाद उम्मीदवार राना अब्दुलसलाम हक में दस्तबरदार, मरकज अनवार मदीना कासमिया ने भी हिमायत का ऐलान कर दिया। IPP सदर की सूफी शौकत अली कादरी से मुलाकात, अवामी उमंगों की तर्जुमानी का अहद।